हेलो एवरीवन, MS-DOS सीखने की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कमांड्स रिलेटेड टू डायरेक्टरी एंड फाइल्स, लाइक क्रिएशन ऑफ फाइल, रीनेमिंग ऑफ फाइल्स, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल फोल्डर एट द सेम टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं MS-DOS. MS-DOS को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से सिंपली Windows+R की प्रेस करना होगा और रन मेनू में आपको टाइप करना होगा CMD एंड देन यू विल हिट द एंटर की. इस प्रकार से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहला कमांड हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज द ड्राइव. राइट नाउ वी आर इन C ड्राइव. अब आपको C ड्राइव से D ड्राइव में जाना है तो सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से D लेटर प्रेस करना होगा और शिफ्ट के साथ आपको कॉलन टाइप करना होगा. देन अगेन यू विल हिट द एंटर की. राइट नाउ अब हम लोग दूसरा कमांड देखेंगे हाउ टू मेक अ डायरेक्टरी. तो आपको डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड यूज करना होगा. MD स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, या फिर आप MKDIR कमांड भी यूज कर सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे MD यूज करता हूँ. तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है डायरेक्टरी बनाने के लिए. हम लोग टाइप करेंगे MD, देन सिंगल स्पेस, देन नेम ऑफ द डायरेक्टरी. सपोज मैं अपने डायरेक्टरी का नेम रखना चाहता हूं ABC. राइट, तो MD सिंगल स्पेस नेम ऑफ द डायरेक्टरी, देन यू विल प्रेस द एंटर की. तो इस प्रकार से हमारा ABC डायरेक्टरी जो है D ड्राइव में क्रिएट हो चुका है. अब अगर आप डायरेक्टरी को देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है DIR कमांड. DIR कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी. तो मैं यहां पे टाइप करूंगा DIR एंड देन प्रेस द एंटर की. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ABC नाम का एक डायरेक्टरी बन चुका है ना, 9:51 पे. ठीक है, एंड 5 जुलाई 2020. इसे हम लोग D ड्राइव में भी देख लेते हैं कि ABC नाम का डायरेक्टरी बना है या नहीं. तो हम लोग चलते हैं D ड्राइव में. ये रहा हमारा D ड्राइव और आप देख सकते हो यहाँ पे ABC नाम का फोल्डर बन चुका है. राइट नाउ नेक्स्ट कमांड इज हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल डायरेक्टरी एट द सेम टाइम. अगर आपको एक से ज्यादा डायरेक्टरी एक ही बार में क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे? ये भी बड़ा सिंपल है. हम लोग सेम ही कमांड यूज करेंगे, MD कमांड, MD स्पेस, और फॉर एग्जांपल मैं अपना फर्स्ट डायरेक्टरी का नाम रखना चाहता हूं टेक्नोलॉजी, तो मैं लिखूंगा टेक्नोलॉजी. और एक और मैं बनाना चाहता हूं डायरेक्टरी, तो उसका मैं नेम रख लेता हूं प्लैनेट एंड देन सिंपली प्रेस द एंटर की. राइट, चलिए अब हम लोग DIR कमांड से हम लोग देख लेंगे डायरेक्टरी. तो इस D ड्राइव में अभी हमारे पास 3 डायरेक्टरी हो चुके हैं, ABC, प्लैनेट एंड टेक्नोलॉजी. मैं इसे आपको D ड्राइव में भी दिखा देता हूं. आप देख सकते हो पहले सिर्फ हमारे पास ABC डायरेक्टरी था, जबकि अब टेक्नोलॉजी और प्लैनेट डायरेक्टरी भी आ चुका है. राइट, अब अगर आप कोई डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तब आप ऐसा कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमें एक कमांड यूज करना होगा CD कमांड. CD कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. अब हम लोग डायरेक्टरी चेंज करेंगे. राइट, हम लोग जाएंगे, सपोज मैं बनाना चाहता हूं ABC डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं, तो हम लोग लिखेंगे CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी. हम लोग कौन से डायरेक्टरी में भी वर्क करने वाले? ABC डायरेक्टरी में. तो CD स्पेस ABC, बड़ा सिंपल सिंटैक्स है. आपको सिंपली लिखना कमांड का नेम, देन डायरेक्टरी नेम एंड देन प्रेस द एंटर की. तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा. अब आप देख सकते हो D ड्राइव के अंदर हम लोग ABC डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं. अब ABC के अंदर मुझे एक और डायरेक्टरी बनाना है. मैं किस नाम से बनाऊं? चलो मैं KBC नाम से इस बार एक डायरेक्टरी बना लेता हूं. MD स्पेस KBC देन प्रेस द एंटर की. राइट, चलिए हम लोग देख लेते हैं ABC के अंदर एक और डायरेक्टरी बना है या नहीं. बिल्कुल आप देख सकते हो, तो एक KBC नाम का एक और डायरेक्टरी बन चुका है ABC डायरेक्टरी के अंदर. राइट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं हाउ टू डिलीट अ डायरेक्टरी. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टरी को डिलीट करना तो आप कैसे डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो. ठीक है। उससे पहले मैं एक कमांड आपको बताता हूं, अगर आपको एक स्टेप्स बैक आना है तो आप कैसा होगे, उसके लिए आपको सिंपली लिखना होगा CD और दो बार आपको डॉट लिख करके एंटर की आपको प्रेस कर देना होगा, राइट। तो इस टाइप से आप वन स्टेप्स बैक आ जाते हो। इज इट ओके? नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट प्लैनेट, मैं प्लैनेट डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली विल टाइप RD कमांड इज यूज टू डिलीट एनी डायरेक्टरी। RD स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी, और मैं यहां लिखता हूं प्लैनेट, है ना। आपको उस प्लैनेट, उस डायरेक्टरी का नेम लिखना होगा जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, तो RD स्पेस प्लैनेट। चलिए नाउ हिट द एंटर की। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या डायरेक्टरी अवेलेबल है राइट नाउ। तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास ABC और टेक्नोलॉजी नाम का डायरेक्टरी अवेलेबल है। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे CLS कमांड, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नाउ हिट द एंटर की, तो इस प्रकार से आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। तो चलिए सबसे पहले राइट नाउ हम लोग देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या क्या डायरेक्टरी है। राइट नाउ वी हैव ABC एंड वन मोर डायरेक्टरी, दैट इज अ टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, एक फाइल बनाता हूं राज नाम का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, CD कमांड, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, CD टेक्नोलॉजी आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, डजेंट मैटर, है ना। MS-DOS कमांड इज नॉट केस सेंसिटिव, तो CD टेक्नोलॉजी, देन प्रेस द एंटर की, ठीक है। अब आप D ड्राइव के अंदर टेक्नोलॉजी फोल्डर के अंदर आ चुके हो। अब मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना राज नाम का, जिसका टाइप होगा txt, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं कॉपी कॉन कमांड, कॉपी कॉन देन नेम ऑफ द फाइल। सपोज नेम ऑफ द फाइल मैं रख लेता हूं राज .txt, किस टाइप का भाई, txt फाइल। नाउ प्रेस द एंटर की, इज इट ओके। चलिए हम लोग जरा देख ले राज नाम का कोई फाइल क्रिएट हुआ है क्या टेक्नोलॉजी फोल्डर के अंदर। अच्छा यहाँ पे तो कुछ फाइल दिख नहीं रहा, ठीक है। एक बार थोड़ा हम लोग बैक करके फिर से आकर के हम लोग देख ले जरा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ इसमें हम लोग कॉन्टेंट टाइप कर लेते हैं, ठीक है, लाइक वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट, वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट। अब आपको कंटेंट को अगर उस पर्टिकुलर फाइल में सेव करना तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ता Ctrl+Z एंड देन प्रेस द एंटर की। अब आप देख सकते हो वन फाइल्स कॉपीड, आपका फाइल कॉपी हो गया, यानी आपको फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+Z प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपका फाइल क्या होगा, कॉपी होगा, सेव होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग आकर के देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं D ड्राइव में और टेक्नोलॉजी प्लैनेट के अंदर आप बिल्कुल देख सकते हो राज नाम का एक फाइल हमारे पास बन चुका, क्रिएट हो चुका, ठीक है, जिसमें वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट लिखा हुआ। इज इट ओके? चलिए एक ऐसा करते हम लोग, एक और यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर ही हम लोग इस बार कुणाल नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं, kunal.txt। तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, कॉपी कॉन kunal.txt एंड देन प्रेस द एंटर की, ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+Z एंड प्रेस द एंटर की। नाउ वन फाइल कॉपीड, ठीक है। अब आप चाहो तो देख सकते हो डायरेक्टरी kunal.txt 0 byte, उसमें अभी एक भी कैरेक्टर नहीं है, और राज में आपका 30 कैरेक्टर्स है। इज इट ओके? चलिए अब ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं, हाउ टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू द अनदर फाइल। ऐसा मैं करता हूं, राज के अंदर जो भी कंटेंट है उसको मैं कॉपी कर दे रहा हूं कुणाल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे कॉपी कमांड। मैं कॉपी करना चाहता हूं raj.txt, राज के अंदर जो भी कंटेंट है raj.txt, ठीक है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे मैं kunal.txt में कॉपी करना चाहता हूं। तो बड़ा सिंपल सिंटैक्स है माय डियर, सिंपली यू राइट copy, then old file name and then a space, new file name, and then press the enter key. Right? Overwrite kunal.txt. Yes. तो वाई प्रेस करके आपको एंटर की प्रेस कर देना. देखिए वन फाइल कॉपीज, ठीक है. अब आपको अगर फाइल का कंटेंट को देखना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप कमांड, TYPE टाइप, है ना. और उसके बाद आपको फाइल का नेम लिखना होगा. तो मैं लिखता हूं टाइप कुणाल. मैं कुणाल के अंदर देखना चाहता हूं क्या सच में वही टेक्स्ट वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट, है ना, कॉपी हुआ है. तो सिंपली उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, टाइप कमांड, देन सिंगल स्पेस, देन नेम ऑफ द फाइल. नाउ हिट द एंटर की. आप देख सकते हो बिल्कुल वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट, है ना, कुणाल फाइल के अंदर कॉपी हो चुका. अब मैं फिर से थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और मैं आपको डी ड्राइव में जाकर के दिखा भी देता हूं कि टेक्नोलॉजी प्लैनेट के अंदर क्या दो फाइल है और क्या दोनों में वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट लिखा हुआ. बिल्कुल कुणाल के अंदर तो है और राज के अंदर तो आपने देखा ही था, ठीक है, राज के अंदर भी है, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग जो है फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल का कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं और उस कंटेंट को आप डायरेक्टली यहां पे डॉस में आप देख भी सकते हो. राइट. नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिलीट राज फाइल. अब मैं राज फाइल को यह डिलीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं डेल कमांड. डेल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट एनी फाइल. डेल the name of the file, del raj.txt. now hit the enter key. okay, now see the directory. dir command display the list of file at directory. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी के अंदर जो राज नाम का फाइल था वो अभी राइट नाउ नहीं है, ठीक है. तो dir कमांड से आप जिस भी ड्राइव में हो या कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हो उसके अंदर क्या क्या डायरेक्टरीज हैं या क्या क्या फाइल्स है वो आप देख सकते हो, ठीक है. तो अब राज नाम का जो भी फाइल था हमारा वो डिलीट हो चुका है. इज इट ओके? अब मैं ऐसा करता हूं फिर से एक स्टेप्स मैं बैक आता हूं, ठीक है. अच्छा मैं एक और कमांड पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ, रीनेम. हाउ टू रीनेम अ फाइल. अगर आपको यार फाइल को रीनेम करना तो कैसे करोगे, मैं कुणाल को रीनेम कर देता हूं. किस नेम से रीनेम कर दूं, चलो अभिषेक नाम से मैं रीनेम कर देता हूं कुणाल को. तो फॉर दैट वी यूज द रीनेम कमांड. तो उसके लिए हम लोग यार रीनेम कमांड यूज करते हैं, राइट. या फिर आप रेन कमांड सिंपली यूज करते हो, रेन, एंड देन टाइप द नेम ऑफ फाइल, है ना, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, ओल्ड फाइल नेम. तो मैं कुणाल .txt को रीनेम करना चाहता हूं अभिषेक .txt में. नाउ हिट द एंटर की. चलिए देख लेते हैं हम लोग ये रीनेम हुआ कि नहीं. तो बिल्कुल हो चुका है ना. और उसमें 30 कैरेक्टर्स स्टोर है उसमें. मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और आपको यहाँ पे भी मैं दिखा दे रहा हूं. ये देखिए आप बिल्कुल ये रीनेम हो चुका है. राइट. ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा कमांड देखेंगे. ऐसा करते हैं अब हम लोग देखते हैं. देखो यार यहाँ पे है क्या, एबीसी के अंदर भी कंटेंट है, एक डायरेक्टरी है और एबीसी के अंदर हमारा एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है और टेक्नोलॉजी के अंदर एक फाइल है. राइट. इससे पहले हमने कमांड देखा था अगर आपको याद होगा, हाउ टू डिलीट अ डायरेक्टरी, आरडी कमांड. आरडी कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी. अब यार अगर मैं फिर से आरडी, पहले मैं देख लेता हूं हमारे पास डायरेक्टरी क्या क्या है. शायद आपको याद होगा हमारे पास डायरेक्टरी है. अच्छा अभी राइट नाउ हम लोग टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी के अंदर, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टेप्स बैक आते हैं. राइट. चलिए अब हम लोग देखते हैं डी ड्राइव के अंदर क्या क्या डायरेक्टरी है. डी ड्राइव के अंदर एबीसी और टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी है. स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं. ओके नाउ आई वांट टू डिलीट अ डायरेक्टरी. क्या आप मुझे बताओगे डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड हमने यूज किया था? हमने यूज किया था आरडी कमांड. आरडी कमांड स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी. अब मैं डिलीट करना चाहता हूं एबीसी डायरेक्टरी को, ठीक है. तो अब क्या ये डिलीट होगा, आइए देखते हैं. द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. देख लेते हैं हम लोग क्या ये डिलीट हुआ. नहीं, बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ. एंड डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, यानी कि आरडी कमांड से आप उसी डायरेक्टरी को डिलीट कर पाओगे जो एमडी है. फॉर एग्जांपल मैं एक और डायरेक्टरी आपको बना के दिखाता हूं, एमडी. मैं इस बार कौन सा डायरेक्टरी, एसएस नाम से मैं डायरेक्टरी बनाता हूं. राइट. चलिए एमडी एसएस नाम से डायरेक्टरी बन चुका, आप लोग देख सकते हो. बिल्कुल राइट, डी ड्राइव में एसएस नाम का एक डायरेक्टरी बन चुका। अब मुझे इसे डिलीट करना, तो हम लोग यूज करेंगे आरडी स्पेस एसएस राइट। अब क्या हम लोग देखते हैं क्या ये डिलीट हो चुका? अब बिल्कुल यार ये तो डिलीट हो चुका। ओके तो अब मैं ऐसा करता हूं कि एसएस तो डिलीट हो चुका, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूं ठीक है। फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए था, मैंने बढ़ाया नहीं, पता नहीं शायद आप लोग को कंटेंट विजिबल हो रहा होगा या नहीं। चलिए तो अब ऐसा करते हैं कि आरडी मैं टेक्नोलॉजी को डिलीट करके देखता हूं। टेक्नोलॉजी द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब क्या हो कि आरडी कमांड की मदद से आप उसी डायरेक्टरी को डिलीट कर पाओगे जो एम्प्टी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी हमारा एम्प्टी नहीं है तो इसे हम लोग डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लोग इसे कैसे डिलीट करेंगे यार? तो इसके लिए हम लोग सिंपली टाइप करेंगे आरडी एंड देन फॉरवर्ड स्लैश और एस, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना डायरेक्टरी का नेम, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ठीक है। एंड नाउ वी प्रेस द एंटर की। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डीआईआर कमांड से क्या यस टेक्नोलॉजी नाम का जो हमारा डायरेक्टरी था वो डिलीट हो चुका। थोड़ा सा सीएलएस करते हैं और मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ टेक्नोलॉजी नाम का जो हमारे पास डायरेक्टरी था वो डिलीट हो चुका है। ओके चलिए अब हम लोग क्या एबीसी को भी डिलीट कर सकते हैं इस कमांड से? तो बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। आरडी फॉरवर्ड स्लैश, आपको कमांड याद रखना आरडी फॉरवर्ड स्लैश एस और देन एबीसी राइट। Are you sure you want to delete? Yes, I want to delete. ठीक है अब हम लोग डी ड्राइव में देखेंगे एक भी फोल्डर या फाइल नहीं बचा राइट। तो इस प्रकार से आप ये था डॉस का बेसिक कमांड है ना। इन कमांड की मदद से आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल को आप रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसमें कंटेंट राइट कर सकते हो, कंटेंट को कॉपी कर सकते हो है ना। चलिए अब आपको डॉस से बाहर आना होगा तो उसके लिए आप क्या टाइप करोगे? एग्जिट ठीक है, एग्जिट टाइप करना देन यू विल प्रेस द एंटर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।